सभी विद्यार्थियों को निर्मल सिंह का हार्दिक नमस्कार। सभी का स्वागत करता हूं मैं इंडियन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। हम भारतीय इतिहास में एक टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है मौर्य वंश। मौर्य वंश के जो हमने पिछले वीडियो देखे हैं उसमें हमने मौर्य वंश के पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अध्ययन किया। दूसरे वीडियो में हमने उनके पश्चात जो सिंहासन पे बैठे जिनका नाम हमें बिंदुसार मिलता है उनका भी हमने अध्ययन कर लिया। जो आज का वीडियो है या जो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं, इस वीडियो में आपको मौर्य वंश के सबसे महान राजा मिलेंगे जिनका नाम हमें मिलता है अशोक मौर्य। अशोक मौर्य की जब हम चर्चा करते हैं तो अशोक मौर्य के बाद में मौर्य वंश का जो है वो पतन शुरू हो गया था। नाम मात्र के जो है वो राजा हमें बाद में जो है वो मिलते हैं, लेकिन मौर्य वंश के जो सबसे प्रतापी, सबसे जो अच्छे राजा हमें दिखाई देते हैं उनकी अगर बात करते हैं तो वो हमें दिखता है अशोक मौर्य। और आज हम अशोक मौर्य के बारे में ही जो है अध्ययन करेंगे, जो आपको सभी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं इनसे संबंधित जो है वो प्रश्न दिखाई देते हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं अशोक मौर्य के बारे में। अशोक मौर्य की अगर हम बात करें तो इनका जो समय हमें मिलता है वो 273 से लेकर के और 232 ईसा पूर्व का समय मिलता है। मौर्यों का वैसे तो समय था 321-22 से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक, लेकिन अगर हम अच्छे से देखें कि अशोक के बाद तो पतन का कार्य जो है वो शुरू हो गया था, लेकिन यहां अब हम देखते हैं तो हमें यहां पे जो है अशोक का जो समय मिलता है, पूछा जा सकता है हमें कि अशोक ने कब से कब तक जो है शासन किया था, तो हमें जो अशोक का समय प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है 273 से लेकर के और 232 ईसा पूर्व तक। अशोक के बारे में अगर हम और देखते हैं, अशोक की जो माता थी, अशोक की माता का नाम हमें शुभ्रांगी मिलता है। शुभ्रांगी, जैसे हमने पहले राजा की माता का नाम देखा था जिसका नाम हमें मिला था मुरा, फिर हमने बिंदुसार की माता का नाम देखा जिनका नाम हमें मिला धुरधरा, और अब हम अशोक की माता के बारे में पूछे, हमसे तो हमें पता होना चाहिए कि अशोक की जो माता थी उनका नाम हमें क्या प्राप्त होता है, तो इन्हीं का नाम जो है शुभ्रांगी था। लेकिन इनके कुछ अन्य नाम भी मिलते हैं। इसी शुभ्रांगी को जो है धर्मा भी कहा जाता है, इसी को धर्मा और इसी को जो है कल्याणी की भी संज्ञा दी गई है। यानी कि एक ही महिला के हमें जो है वो नाम हमें प्राप्त होते हैं। एक ही महिला जो अशोक की माता है उन्हीं को धर्मा कहा जाता है, उन्हीं को कल्याणी कहा जाता है, और उन्हीं का वास्तविक नाम जो है वो हमें यहाँ पे शुभ्रांगी जो है वो नाम प्राप्त होता है। अशोक के बारे में हम और चर्चा करते हैं। जब हम पुराणों का अध्ययन करते हैं, जब हम हिंदू धर्म के पुराणों का जो है अध्ययन करते हैं, तो पुराणों में जो हमें अशोक का नाम प्राप्त होता है, पुराणों में अगर हम बात करते हैं तो पुराणों में अशोक का नाम हमें प्राप्त होता है अशोकवर्धन। यानी कि इनको यहाँ पे किस नाम से संबोधित किया गया है, तो इनको यहाँ पे जो है अशोकवर्धन जो है वो लिखा गया है। अशोकवर्धन के नाम से अशोक मौर्य को जो है पुराणों में जाना जाता था। इसी प्रकार जब हम मास्की का अभिलेख पढ़ते हैं, मास्की, इसी प्रकार हम पढ़ते हैं गुर्जरा, मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम, और ये जो अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं इन सब में हमें जो अशोक का नाम प्राप्त होता है वो नाम हमें यहाँ पे दिखाई देता है अशोक। यानी कि पुराणों में अशोकवर्धन लिखा गया। वैसे इनको भारतीय इतिहास में
अशोक मौर्य के नाम से जानते हैं। और जब मार्सकी, गुजरा, नेटूर, उदयगोलम के अभिलेख पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें इनका जो नाम है अशोक प्राप्त होता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो जूनागढ़ का अभिलेख है, जो जूनागढ़ का जो है अभिलेख हमें प्राप्त होता है, इसमें भी हमें अशोक का व्यक्तिगत नाम जो है वो यहाँ पे प्राप्त होता है। अशोक की एक उपाधि थी और इनकी जो उपाधि थी वो हमें प्राप्त होती है देव नाम प्रिय दर्शी, यानी कि इनकी एक उपाधि हमें प्राप्त होती है देव नाम प्रिय दर्शी। और देव नाम प्रिय दर्शी का जब हम अर्थ देखते हैं कि इसके क्या मायने निकलते हैं, क्या अर्थ निकलता है, तो इसका अर्थ निकलता है वो नाम जो देवताओं को भी प्रिय है, वो नाम जो देवताओं को भी प्रिय है, इसी को जो है देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है। और यही उपाधि जो है वो धारण करते थे, और ये उपाधि जो है वो धारण कौन करते थे, तो उन्हीं का नाम हमें मिलता है अशोक मौर्य। अशोक के बाद में ये बहुत फेमस उपाधि थी, हमें याद होनी चाहिए। अशोक के एक पुत्र हुए थे जिनका नाम हमें मिलता है दशरथ, और दशरथ जो है उन्होंने भी इस उपाधि को जो है धारण किया था। तो पूछा जा सकता है कि अशोक के बाद में उनके वंशज में किसने देव नाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी, तो हमें जो है वो पता होना चाहिए कि अशोक के बाद उनके पुत्र थे जिनका नाम हमें दशरथ दिखाई देता है और उन्होंने इस उपाधि को धारण किया था। लेकिन अशोक के ही एक समकालीन राजा थे, एक देश है जिसका नाम है श्रीलंका, श्रीलंका जिसको सिंहल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। अशोक के समकालीन यहाँ पे जो शासक थे उसका नाम हमें मिलता है तिस, यानी कि जो श्रीलंका के शासक थे उनका नाम हमें जो है तिस मिलता है। और तिस ने भी अशोक के से अनुमति लेकर के यही उपाधि धारण की थी, यानी कि श्रीलंका के भी राजा जो तिस थे उनको भी देवनाम प्रियदर्शी के नाम से जो है संबोधित करते हैं। फिर ध्यान से थोड़ा सा देखते हैं, माता का नाम हमें मिलता है शुभ्रांगी, इन्हीं के अन्य नाम हमें प्राप्त होते हैं धर्मा, या इसी को कहा जाता है कल्याणी। पुराण जब हम अध्ययन करते हैं, पुराणों को जब पढ़ा जाता है, तो पुराणों में इनका नाम जो है अशोक वर्धन जो है वो प्राप्त होता है। और जब हम मास्की, गुर्जरा, उदयगोलम और नेटूर जैसे अभिलेखों का अध्ययन करते हैं तो वहां पे हमें इनका जो है वो नाम प्राप्त होता है, और वो नाम हमें प्राप्त होता है अशोक। लेकिन इनकी जो फेमस उपाधि थी वो उपाधि हमें मिलती है देव नाम प्रिय दर्शी। जो प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ थे, जब तक इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण नहीं किया था, तो कहीं कहीं इनके लिए चंड अशोक का प्रयोग भी किया गया है। चंड अशोक यानी कि जो युद्ध की इच्छा रखते हैं, जिनकी युद्ध में प्रियता है, ऐसी जो है कुछ बातें हमें जो है वो बौद्धों के कुछ ग्रंथों से जो है वो प्राप्त होती हैं। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, समय जो है 273 का था, समय 273 ईसा पूर्व का था, और 273 ईसा पूर्व में हम जानते हैं कि मौत हो गई थी, और मौत जिस शासक की हुई थी उस व्यक्ति का नाम था बिंदुसार। अशोक के पिता जिनका नाम हमें बिंदुसार जो है वो प्राप्त होता है, जिन्होंने 298 से 273 तक शासन किया था, और जो है बिंदुसार की जो है मृत्यु हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि इनकी जो है 273 में जो है मौत हो गई थी। लेकिन जो बिंदुसार थी, इनकी इच्छा थी कि इनके बाद जो शासक बने, यानी कि इनके बाद जो शासक बने वो कौन बने, तो वो कौन थे, तो उसी व्यक्ति का नाम हमें मिलता है सुसीम। यानी कि सीधी सीधी बात है कि बिंदुसार नहीं चाहते थे कि अशोक राजा बने, बिंदुसार की इच्छा थी कि मेरे बाद अगर सिंहासन पे कोई बैठे तो वो कौन बैठे, तो उनका नाम हमें जो है सुसीम जो है वो यहाँ पे प्राप्त होता है। लेकिन जब बिंदुसार बीमार थी, उस वक्त अशोक कहाँ पे थे अगर हमसे पूछा जाए, तो इस वक्त अगर अशोक के बारे में पूछा जाता है तो अशोक जो है इस वक्त उज्जैन के गवर्नर थे। उज्जैन जो है वो हमें एमपी के अंदर जो है वो प्राप्त होता है। उज्जैन अगर शब्द नहीं आता है तो यहीं पे जो है अवंती शब्द लिखा आ सकता है,
पूछा भी गया था एक बार परीक्षा में कि शासक बनने से पहले अशोक कहाँ के गवर्नर थे, तो शासक बनने से पहले जो है ये गवर्नर थे और ये गवर्नर रहे थे उज्जैन या अवंती के। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शासक बनने से तत्काल पहले कहाँ गवर्नर थे, तो उज्जैन या अवंती के गवर्नर जो है ये रहे थे, लेकिन जब ये विद्रोह का दमन करने तक्षशिला गए थे तो वहाँ भी कुछ समय तक इन्होंने गवर्नर का जो है वो कार्यभार संभाला था। यहाँ उज्जैन या अवंती में गवर्नर के तौर पे जो है काम कर रहे थे, यहाँ के जो है हम कहें कि राज्यपाल थे। 273 में जब बिंदुसार बीमार हो गए थे और इन्हीं की राजधानी हमें प्राप्त होती है जिसका नाम हमें मिलता है पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र जो कि मौर्यों की प्रसिद्ध राजधानी थी। जब बिंदुसार बीमार हुए तो अशोक जो है यहाँ से पहुँच गए पाटलिपुत्र, यहाँ से जो है पाटलिपुत्र पहुँच गए, और पाटलिपुत्र पहुँच करके 273 ईसा पूर्व को, 273 ईसा पूर्व को इन्होंने सिंहासन के ऊपर अधिकार कर लिया। यानी कि सिंहासन पर जो है अधिकार कर लिया था, और सिंहासन पे जबरदस्ती अधिकार करने वाले जो शासक थे वो कौन थे, तो उन्हीं का नाम हमें प्राप्त होता है अशोक। अशोक ने जबरदस्ती 273 में सिंहासन के ऊपर अधिकार कर लिया। लेकिन जब महावंश ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो वहां पे हमें बिंदुसार के 100 पुत्र प्राप्त होते हैं। महावंश ग्रंथ के अनुसार बिंदुसार के 100 पुत्र थे, और उन सब के साथ जो है प्रतिद्वंद्विता थी, और उन सब के साथ प्रतिद्वंद्विता थी अशोक की। लेकिन 273 में सिंहासन पे बैठे, समय फिर हमें याद होना चाहिए, और अगला समय जो सन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 269 ईसा पूर्व को अशोक का वास्तविक राज्य अभिषेक हुआ था। अशोक का जो है हम कहें वास्तविक राज्य अभिषेक, अशोक वास्तविक तौर पे राजा कब बने थे, तो इनका जो राज्य अभिषेक होता है वो हमें जो है वो प्राप्त होता है 269 ईसा पूर्व को। देखिए दो बातें अलग अलग हो जाएंगी, सिंहासन पे बैठे 273 में, वास्तविक तौर पे राजा बने 269 ईसा पूर्व, यानी कि दो सन हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगर हमसे प्रश्न पुट किया जाता है कि अशोक वास्तविक तौर पे शासक कब बने थे, तो फिर हमें याद होना चाहिए 269 ईसा पूर्व। अब जब हम देखते हैं कि बीच में जो ये चार साल का समय था, ये जो बीच में चार साल का समय था, इन चार सालों में क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, तो सबसे पहले हम एक ग्रंथ देखते हैं जिसका नाम हमें मिलता है महावंश। एक ग्रंथ हमें मिलता है महावंश, महावंश के साथ में ही दूसरा ग्रंथ मिलता है दीपवंश। महावंश और दीपवंश ये दोनों ही सिंहली भाषा के, या हम कहें सिंहल प्रदेश के जो है, या श्रीलंका के जो है ग्रंथ माने जाते हैं। जैसे भारत में रामायण और महाभारत, इन दोनों ग्रंथों का बहुत महत्व है, वैसे ही श्रीलंका में महावंश और दीपवंश का भी जो है वो बहुत महत्व माना जाता है, और ये दो ग्रंथ वहाँ के बहुत बड़े महाकाव्य हैं। और इनके अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। अगर हमसे पूछा जाए कि अशोक ने जो है कितने भाइयों की हत्या कर दी थी, तो इन ग्रंथों के अनुसार जो है 99 भाइयों की जो है वो हत्या कर दी गई थी, ऐसा हमें जो है यहाँ से प्राप्त होता है। लेकिन जब हम एक और पढ़ते हैं, एक इतिहासकार हमें मिलते हैं तारानाथ जो हैं वो तिब्बत के रहने वाले थे, तिब्बत के जो है इतिहासकार थे। इनके अनुसार इन्होंने अपने 6 भाइयों की हत्या की थी, यानी कि सभी भाइयों को नहीं मारा था, जो प्रतिद्वंदिता कर रहे थे उन 6 भाइयों की जो है हत्या कर दी गई थी, ऐसा जो है किसने कहा था, तो ऐसा जो कह रहे हैं वो कौन है, तो उनका नाम हमें मिलता है तारानाथ। लेकिन जब हम बोधों का ही ग्रंथ पढ़ते हैं जिसका नाम हमें मिलता है दिव्यावदान, जब हम दिव्यावदान का अध्ययन करते हैं तो इसने विशेष तौर पे लिखा था कि अशोक ने सारे भाई नहीं मारे थे, बल्कि एक ही भाई की हत्या की थी, और एक भाई को मारा था, और उसी का नाम हमें मिलता है सुसीम। यानी कि बहुत अच्छी बात है। हमसे पूछा जा सकता है किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने केवल सुसीम की हत्या की थी,
तो वो ग्रंथ हमें जो प्राप्त होता है उसी का नाम हमें जो है वो प्राप्त होता है और उसी का नाम हमें मिलता है दिव्या अवदान। फिर देखिएगा, महावंश के अनुसार अशोक ने अपनी 99 भाइयों की हत्या की, क्योंकि महावंश ही कहता है कि बिंदुसार के 100 पुत्र थे। उसके बाद में जब हम तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ के साक्ष्यों को देखते हैं तो वो लिखते हैं कि 99 नहीं, इन्होंने 6 भाइयों को मारा था। लेकिन जब हम दिव्यावदान ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो उन्होंने लिखा कि इन्होंने अन्य भाइयों की हत्या नहीं की थी, बल्कि सिंहासन को प्राप्त करने के लिए जो है इन्होंने अपने एक ही भाई की हत्या की थी और उसी का नाम जो है वो हमें क्या प्राप्त होता है, तो उसी का नाम हमें जो है सुसीम यहाँ पे जो है वो प्राप्त होता है। स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप। अशोक के नाम देख लिए हमने। अशोक राजा बनने से पहले कहाँ गवर्नर थे ये भी हमने देख लिया। अशोक सिंहासन पे विराजित कब हुए ये भी हमने देखा और अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक कब हुआ ये भी जो है हमने अब तक जो है देख लिया है। एक एक लाइन आपके लिए एक एक प्रश्न का काम करेंगी, इसलिए जो जिस वंश के अच्छे राजा होते हैं जिनके बारे में हमें इतिहास में पढ़ने को बहुत कुछ मिलता है उनके बारे में हमें जो है बड़ी गहनता के साथ में जो है अध्ययन करना चाहिए और अशोक से संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है वो हमें यहाँ पे जो है दिखाई देते हैं। तो आगे हम देखते हैं 269, जैसा कि हमें पता चल चुका है क्योंकि बहुत सारे सन आएंगे अशोक से संबंधित। 269 ईसा पूर्व को जो है पूर्ण रूप से सिंहासन पे बैठ गए थे और इनका हम देख चुके हैं कि इनका वास्तविक जो है वो राज्य अभिषेक हो चुका था, इनका वास्तविक राज्य अभिषेक हो चुका था। अशोक अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, अशोक अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। जब समय बीत के हो जाएगा, जब समय बीतता जाएगा और समय जो हमें मिलता है वो हमें मिलता है 261 ईसा पूर्व। अब यहाँ भी हमें याद होना चाहिए कि अशोक को राजा बने हुए कितने वर्ष हो गए थे, तो एक बार परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न पुट किया गया था कि कौन से वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, तो 8 वर्ष हो चुके थे उनको राजा बने हुए। और अगर हमसे पर्टिकुलर सन पूछ लिया जाए कि किस सन में आक्रमण किया था, तो 261 ईसा पूर्व को जो है अशोक आक्रमण करते हैं और अशोक जिस प्रदेश पे आक्रमण करते हैं उसी का नाम हमें मिलता है कलिंग। कलिंग जिसको वर्तमान में उड़ीसा कहा जाता है, यानी कि जो आज हमारे लिए उड़ीसा है यही उस वक्त जो है कलिंग था और कलिंग पे जो है आक्रमण कर दिया गया और कलिंग पे जो आक्रमण किया गया था अशोक के द्वारा वो 261 ईसा पूर्व को जो है किया गया था, कलिंग पे आक्रमण किया गया। जब हम यहाँ पे एक अभिलेख पढ़ते हैं जिसका नाम हमें मिलता है हाथी गुफा का अभिलेख, हाथी गुफा का अभिलेख, एक राजा थे खारवेल, खारवेल का ही अभिलेख है हाथी गुफा का अभिलेख। और हाथी गुफा के अभिलेख से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जब अशोक आक्रमण कर रहे थे कलिंग के ऊपर, तो कलिंग के इस वक्त जो यहाँ के शासक थे, जो इस वक्त यहाँ के शासक थे उनका नाम नंदराज मिलता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अशोक के आक्रमण के समय कलिंग के राजा कौन थे, तो यहाँ के जो इस वक्त कोई राजा थे उनका नाम हमें नंदराज मिलता है। और इस बात की जो पुष्टि होती है वो खारवेल के अभिलेख से जो है पुष्टि होती है और उसी का नाम है हाथी गुफा का अभिलेख। यहाँ पे जो है नंदराज नाम के जो है वो राजा यहाँ पे शासन कर रहे थे। और कभी अगर हम कहें इसी कलिंग से, इसी कलिंग से जो नंदवंश के शासक थे
क्योंकि हम मौर्यों से पहले पढ़ के आए हैं कि नंद वंश के जो है शासक हुए थे, उन्होंने यहाँ पे नहर बनवाई थी। कलिंग के अंदर जो है वो नहर का निर्माण करवाया था, ये नंद वंश के शासकों ने जो है यहाँ पे करवाया था। कुछ जैन मूर्तियां भी प्राप्त की थी यहाँ से, कुछ जो है जैन मूर्तियां भी जो है प्राप्त की थी। तो कभी पूछा जाए कि नंद वंश के शासकों ने किस धर्म को संरक्षण दिया था, तो नंद वंश के शासक जिस धर्म को संरक्षण दे रहे थे वो कौन सा धर्म था, तो उसी का नाम हमें मिलता है जैन धर्म। जैन धर्म को संरक्षण देने वाले शासक थे जो मौर्यों से पहले थे, उन्होंने कलिंग से जैन मूर्तियां प्राप्त की, उन्होंने यहाँ पे नहर का निर्माण करवाया, उन्होंने जैन धर्म को जो है संरक्षण दिया था। लेकिन जब कलिंग पे आक्रमण हो रहा था तब नंद वंश नहीं, यहाँ के जो राजा थे उनका नाम जो प्राप्त होता है वो हमें नंद राज जो है वो प्राप्त होता है। आक्रमण किया गया कलिंग पे और कलिंग जो है वो जीत लिया गया, कलिंग जो है वो जीत लिया गया था। और इस कलिंग युद्ध का वर्णन, जो यहाँ पे युद्ध लड़ा गया था, इसी को कहा जाता है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख से मिलता है, अशोक के जो 13वां जो हमें शिलालेख मिलता है, क्योंकि अशोक ने कुछ लेख लिखवाए थे और इन लेखों में जो 13वां शिलालेख है इसी से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि कलिंग युद्ध में नंदराज को पराजित कर दिया गया था और कलिंग प्रांत पे जो है अधिकार कर लिया था। और वो मौर्य सम्राट कौन थे, तो उन्हीं का नाम हमें प्राप्त होता है अशोक। कलिंग जीत लिया गया, कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने इसे अपने साम्राज्य का 5वां प्रांत बनाया, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के साम्राज्य में 4 प्रांत होते थे। अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उसने अपना 5वां प्रांत बना लिया था, और 5वां प्रांत उन्होंने जो बनाया था उसी का नाम हमें मिलता है कलिंग। और यहाँ पे 2 राजधानियाँ स्थापित की गई, यहाँ पे जो है 2 राजधानियाँ स्थापित की गई थी। पहली राजधानी हमें मिलती है तोशाली, जो उत्तरी कलिंग था, यहाँ की जो राजधानी थी उसका नाम था तोशाली। और जो दूसरी राजधानी हमें मिलती है उसी का नाम हमें मिलता है जौगढ़। अभी अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था और फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर में इतिहास में जो है कलिंग की राजधानी पूछी गई थी और वहाँ पे आंसर था जौगढ़। यानी कि हमें पता होना चाहिए 2 राजधानियां स्थापित हो रही थी, एक तोशाली और एक जौगढ़, और ये किस प्रांत की राजधानी थी, तो ये कलिंग की जो है वो राजधानी हमें दिखाई देती है। फिर हम देखें कि कलिंग पे आक्रमण क्यों किया, कलिंग पे आक्रमण क्यों किया, तो हमें जो है पता होना चाहिए कि जब हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र जो राजनीति का ग्रंथ है, अर्थशास्त्र लिखता है कि कलिंग हाथियों का देश था, हाथियों का जो है वो देश था, यहाँ के हाथी बहुत प्रसिद्ध थे। तो हम कुछ हद तक ये मान सकते हैं कि शायद हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पे जो है आक्रमण किया था। इसी प्रकार जब हम देखते हैं पिलनी को, जब हम पिलनी को देखते हैं तो उसने लिखा था कि कलिंग एक व्यापारिक नगर था, एक जो है व्यापारिक नगर था, एक व्यापारिक नगरी थी, तो शायद व्यापारिक नगर का महत्व रखता था, इसीलिए जो है कलिंग को जीता गया था। और इसको जीत रहे थे कौन, अशोक। यानी कि कारण कोई भी रहा हो, चाहे वो प्रशासनिक नगरी थी या व्यापारिक नगरी थी, या हम कहीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए आक्रमण किया गया, लेकिन आक्रमण जो है यहाँ पे किया गया था, कलिंग जो है वो जीत लिया गया था। लेकिन जो यहाँ पे युद्ध लड़ा गया था इसी को कहा जाता है कलिंग युद्ध। और ये कलिंग युद्ध जो है वो बहुत भयानक था, कलिंग युद्ध बहुत भयानक युद्ध था। बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है लोग मारे गए थे, बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है लोग मारे गए थे। इसलिए इसी युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था। अशोक का जो हृदय था वो किस युद्ध के बाद जो है वो परिवर्तित हो गया था, तो अगर हम कहें कि अशोक का हृदय परिवर्तन जो हो रहा था वो कलिंग युद्ध के बाद ही हो रहा था। अशोक ने यहाँ पे प्रतिज्ञा कर ली थी कि हम भविष्य में युद्ध नहीं लड़ेंगे, भविष्य में युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो ऐसी प्रतिज्ञा किस युद्ध के बाद की गई थी, तो वो युद्ध हमें दिखाई देता है कलिंग युद्ध। अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया,
अशोक अब धीरे धीरे एक नए धर्म की तरफ जा रहा था और उसी का नाम हमें मिलता है बौद्ध धर्म, यानी कि ये बौद्ध धर्म जो है स्वीकार कर लेता है। बौद्ध धर्म जो है इन्होंने स्वीकार कर लिया था और बौद्ध धर्म की इनको जो दीक्षा दी गई थी, बौद्ध धर्म की इनको जो दीक्षा दी गई थी दिव्यावदान ग्रंथ के अनुसार, दिव्यावदान ग्रंथ के अनुसार इनको जो दीक्षा दी गई थी वो उपगुप्त के द्वारा प्रदान की गई थी। उपगुप्त के द्वारा जो है इनको जो है वो दीक्षा प्रदान की गई थी और ये दीक्षा जो है इनको प्राप्त हो रही थी और इन्होंने एक धर्म स्वीकार कर लिया था जिसका नाम हमें मिलता है बौद्ध धर्म। थोड़ा सा पीछे देखते हैं, जब हमने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा था तो वहां हमने देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ब्राह्मण धर्म छोड़ करके और जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। पहले राजा जो थे उन्होंने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। उसके तत्काल बाद हमने फिर पढ़ा बिंदुसार को और जब हमने बिंदुसार को पढ़ा तो हमने देखा कि उन्होंने भी ब्राह्मण धर्म छोड़ करके आजीवक धर्म को जो है स्वीकार कर लिया था। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि कलिंग युद्ध की भयानकता से उसकी जो हानि हुई थी उससे जो है प्रभावित होकर के हृदय परिवर्तित हुआ अशोक का और अशोक जो है अब चला गया था जिस धर्म की तरफ। वो कौन सा धर्म हमें दिखाई देता है तो वो धर्म हमें दिखाई देता है बौद्ध धर्म। और इसकी जो दीक्षा दी गई थी वो किसके द्वारा प्रदान की गई थी तो वो व्यक्ति हमें यहाँ पे जो है उपगुप्त जो है वो दिखाई देता है। एक नोट में प्रश्न याद रखिएगा, नोट में हमें याद होना चाहिए, एक व्यक्ति है वत्सजीव, वत्सजीव जिसने अशोक के शासक बनने की भविष्यवाणी की थी, तो हमें पूरा याद होना चाहिए पिंगल वत्सजीव इसका पूरा नाम है। लेकिन वत्सजीव या पिंगल वत्सजीव जो है वो एक ऐसे विद्वान थे या एक ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने जो है ये भविष्यवाणी की थी कि बिंदुसार के बाद में जो अगले शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे तो उसका नाम जो है वो हमें अशोक मौर्य मिलता है। ऐसी भविष्यवाणी इनके द्वारा की गई थी। वापिस हम जो है वापिस पहुँचते हैं कि बौद्ध धर्म को जो है स्वीकार कर लिया गया था, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया गया था। जब हम एक पुस्तक पढ़ते हैं जिसका नाम हमें मिलता है राज तरंगिणी, राज तरंगिणी, और राज तरंगिणी को जो व्यक्ति लिख रहा था उस व्यक्ति का नाम हमें मिलता है कलहन। कलहन कश्मीर के रहने वाले थे। राज तरंगिणी संस्कृत भाषा में लिखा गया इतिहास का पहला बड़ा जो है हम कहें कि काव्य माना जाता है या हम कहें कि एक बड़ा ग्रंथ माना जाता है। राज तरंगिणी की रचना जो है वो कलहन के द्वारा की गई और कलहन यहाँ पे स्पष्ट लिखते हैं कि जो अशोक था ये बौद्ध होने से पहले, यानी कि जब इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया था, बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले जो अशोक जिस धर्म को मानते थे वो कौन सा धर्म था तो वो शैव धर्म था। बहुत इम्पोर्टेंट है कि अशोक बौद्ध होने से पहले किस धर्म को स्वीकार करते थे या किस धर्म को मान रहे थे तो वो हमें धर्म जो दिखाई देता है वो कौन सा धर्म था, शैव धर्म। और शैव धर्म के बारे में हमें जिस ग्रंथ में लिखा हुआ मिलता है वो ग्रंथ हमें दिखाई देता है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी में लिखा गया बौद्ध होने से पहले अशोक जो है वो शैव धर्म के अनुयायी थे। इसी में लिखा गया झेलम नदी के किनारे, झेलम नदी, और झेलम नदी के किनारे जो यहाँ पे कश्मीर में बहती है झेलम नदी, इस झेलम नदी के किनारे जो है एक नगर स्थापित किया गया था और उसी का नाम हमें मिलता है श्रीनगर, जो कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। इस श्रीनगर को झेलम नदी के किनारे जो स्थापित कर रहे थे वो कौन थे तो वो भी अशोक मौर्य थे। अशोक ने एक नगर श्रीनगर जो है वो कश्मीर में बसाया, किस नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे, और दूसरा जो है इन्होंने एक नगर स्थापित करवाया था नेपाल में और इसी का नाम हमें मिलता है ललित पाटन, ललित पाटन, ललित पाटन जो है वो नगर मिलता है और इसकी संस्थापना जो है नेपाल में की गई थी। और इस नगर को भी जो स्थापित कर रहे थे वो कौन थे तो उनका नाम हमें यहाँ पे दिखाई देता है
ललित पाटन जो नेपाल में है, और श्रीनगर जो है वो कहाँ है, तो कश्मीर की राजधानी है, लेकिन इस नगर की संस्थापना जिस व्यक्ति के द्वारा की गई थी वो मौर्यों के शासक थे और उन्हीं का नाम था अशोक मौर्य। ये सब साक्ष्य हमें कलहन की पुस्तक से मिलते हैं, और कलहन की जो पुस्तक हमें यहाँ पर दिखाई देती है उसका नाम हमें मिलता है राजतरंगिणी, यानी कि इन्होंने बौद्ध धर्म को जो है स्वीकार कर लिया था। बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद में एक अभिलेख हमें मिलता है भाबरू का अभिलेख, भाबरू राजस्थान में, भाबरू का अभिलेख जो कहाँ है तो विराट में, विराट जिसको महाभारत काल में विराट नगर कहा जाता था, यहाँ पे भाबरू का अभिलेख मिलता है जो अशोक का सबसे लंबा अभिलेख है। अशोक का सबसे जो है वो लंबा अभिलेख है, और इसी में जो है अशोक लिखते हैं कि बुद्ध संग और धम में, बुद्ध संग धम में जो है उनकी पूर्ण निष्ठा है। अशोक पूर्ण रूप से बौद्ध हो गया था, इस बात का प्रमाण हमें कहाँ मिलता है तो भाबरू के अभिलेख में, जो कहाँ है विराट में, विराट कहाँ है जयपुर में, और ये किस पहाड़ी पे मिला था तो उस पहाड़ी का नाम है बीजक पहाड़ी। बीजक पहाड़ी पे कैप्टन बर्ड के द्वारा ढूंढा गया था, और इसी से जो है हमें पता चलता है कि अशोक जो है वो पूर्ण रूप से किस धर्म को मान रहे थे, तो वो धर्म हमें दिखाई देता है बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म के तीन रत्न हैं बुद्ध संग धम्म, और इनके अंदर जो है इनकी पूर्ण निष्ठा जो है वो हमें दिखाई देती है। आज हमने अशोक के बारे में अध्ययन किया, अभी अशोक से संबंधित जो है तथ्य हमारे पास हैं और जो आपको पढ़ाए जाएंगे, और उसके बारे में हम जो है आगे अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में 3 प्रश्न जो है वो पूछे थे। आज के वीडियो में आपके सामने फिर प्रश्न पूछे जाते हैं जिस वीडियो का आपने अध्ययन किया है, और वहां पे हमने जो शासक पढ़े हैं उसी का नाम हमें मिलता है बिंदुसार। पहला प्रश्न, बिंदुसार के शासन काल में किस प्रांत में 2 बार विद्रोह हुआ था? पहला प्रश्न फिर सुनिएगा, बिंदुसार के शासन काल में किस प्रांत में 2 बार विद्रोह हुआ था? दूसरा प्रश्न सुनिएगा, खल्लाटक कौन था? खल्लाटक कौन था? और तीसरा प्रश्न, एंटियोक्स प्रथम से बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की मांग की थी और क्या नहीं भेजा गया था? एंटियोक्स प्रथम से 3 वस्तुओं की मांग की गई थी और क्या नहीं भेजा गया था? इन 3 प्रश्नों के उत्तर आप जो है कमेंट में लिखते रहिए, ताकि हमें भी जो है वो पता रहे कि आप कहां तक जो है पढ़ रहे हैं और कहां तक जो है आपको समझ में आ रहा है। अशोक के बारे में हमने पढ़ा, ध्यान से पढ़िएगा, और मैं आशा करता हूं कि आप मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं। इंडियन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जो जो अध्यापक आपको यहाँ पे शिक्षण कार्य करवा रहे हैं, उन शिक्षण कार्यों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए समझते हुए अपने जीवन में उपयोगी समझते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।